फ्रेंड्स, बार बार आपके सामने आ रहा हूँ। आपको भी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मुझे खुद अजीब सा लग रहा है। आप मेरी टाइमलाइन देखना, कभी मैंने किसी के लिए कुछ बोला नहीं है। हमेशा अपने वर्कआउट और फोटोज जिम के पोस्ट करता हूँ, और कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जब कोई एथलीट सामने नहीं आता तो कुछ बोलना पड़ता है। सुबह मैसेज आया मेरे पास कि साहिल भाई ने एक वीडियो बनाई है, आप देखना। तो वो वीडियो मैंने देखी। तो उससे पहले आप मेरी एक स्टोरी देख लें जो मैंने पोस्ट की है, जहाँ साहिल खान बोल रहे हैं कि मिस्टर वर्ल्ड क्या बनना है, बनना है तो पहले प्रो कार्ड लेकर दिखाओ, जाओ। इस हिसाब से उनके थे। साहिल भाई, आप क्या चाहते हो मुझे नहीं पता। क्या चाहते हो मतलब, आप इस फील्ड में भी नहीं हो फिर भी लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो। पहले बोलते हो IFBB करो, अब बोलते हो IBBF करो। वहाँ 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस है, 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस है। आप मिस्टर वर्ल्ड बन सकते हो, यूनिवर्स बन सकते हो, एशिया बन सकते हो, जॉब मिल सकते हैं। और IFBB मत करो, यहाँ 8,000 फीस है। और है, चलिए इस टॉपिक पे मैं बाद में बात आपसे करता हूँ। सबसे पहली बात ये कि आपने कहा कि मुझे किसी एथलीट से मतलब नहीं, ये लोग सब बिजनेस करते हैं, सेरू क्लासिक एंड ऑल। तो भाई, एक बिजनेसमैन बिजनेस ही करेगा, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, आप अपने तरीके से कर रहे हो। आपने जो वीडियो बनाई है तो आपने भी तो उस वीडियो में अपने ब्रांड का नाम प्रमोशन कर दिया ना। वो एक बिजनेस ही है, उस ब्रांड की टी शर्ट पहन के अच्छे से प्रमोट किया। फिर बोलते हो मुझे एथलीट से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? एथलीट आपको कुछ नहीं देते। अरे क्यों नहीं देते भाई? एथलीट आप जो ब्रांड बनाते हो, वो एक एथलीट ही तो खरीदता है। आम इंसान थोड़ी खरीदते हैं, नॉर्मल बंदे थोड़ी खरीदते हैं। आप ऐसी बात कर रहे हो। सेकेंड चीज, एक बिजनेसमैन बिजनेस करेगा। आपने कहा 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस। चलिए IFBB ज्वाइन कर लेते। लेकिन पहले आप, कुछ सालों पहले आपने कहा कि IFBB ज्वाइन करो, प्रो कार्ड जीतो, मिस्टर वर्ल्ड बन के। संग्राम छुगले सर से आपने काफ़ी सारी बहस हुई, मैं मुझे उस मैटर पे जाना नहीं, लेकिन आपके वर्ड थे वो कि मिस्टर वर्ल्ड कितनी बार बन गए, बनना है तो पहले IFBB प्रो कार्ड लेकर दिखाओ। जब आपके फैंस फॉलोवर IFBB में आ गए, तब आप क्या बोलते हो कि नहीं IFBB ज्वाइन मत करो, IBBF में जाओ, मैंने देखा वो क्या है नहीं है। मतलब आप एकदम से वक्त बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, जिंदगी बदल देते हैं, अपनी बातों को फिर घुमा देते हैं। मतलब आप क्या चाहते हो? मुझे आपसे कोई पर्सनल कोई दुश्मनी कुछ नहीं है। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ, फैन था। कुछ एक पोस्ट अभी देख के मुझे अनफॉलो करना पड़ गया, तकलीफ हुई मुझे। आप बोलते हैं कि अगर IFBB 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस कर देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए IFBB ने 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी कर दी, लेकिन भाई पहले पूरी बात समझो। वो एक इंटरनेशनल शो है। जब हम उसे इंडिया में वो लोग लेके आ रहे हैं ना, सेरुपाजी एंड ऑल, मनीष सर, तो उस एक कंपटीशन करवाने के लिए 30 से 40 लाख रुपए पहले वहां पे करने पड़ते हैं, तब हमें यहाँ परमिशन मिलती है वो शो करवाने की। आपने प्लास्टिक कार्ड कहा, आज उस पर भी आप मुकर गए। आपने बोला मैं ATM कार्ड की बोल रहा था, जहां से लोग स्वाइप करके देते, उसको मैंने प्लास्टिक कार्ड कहा। भाई कितनी बार तो आपने प्रो कार्ड को प्लास्टिक कार्ड बोल चुके हैं, फिर आपने ये भी बात बदल दी। आपने कहा प्लास्टिक कार्ड स्कैम। स्कैम किसे बोलते हैं? IFBB ने कभी बोला हम आपको TV देंगे, फ्रिज देंगे, घर देंगे, कभी बोला? उन्होंने कहा हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, 21 प्रो कार्ड देंगे, जो वो हर साल देते आ रहे हैं, और इस साल अब तो सालों साल बढ़ते भी जा रहे हैं। तो वो स्कैम कहाँ कर रहे हैं? स्कैम तो आपने जो शो करवाया उसमें हुआ। आप 1,000 हमसे लेने की बात करते हो, और आप जो शो गोवा बीच में करवाते हो उसमें 5,000 रुपया लेते हो ना। जो विनर था आर्या आर्यन, क्या नाम है मुझे उसका सही से नाम नहीं पता, मैंने उसकी वीडियो अभी जस्ट देखी, किसी ने सेंड की। उस बंदे ने कहा कि 6 से 8 महीने हो गए, मुझे कहा गया था जीतने के बाद कि दुबई की ट्रिप मिलेगी, कैश प्राइज मिलेंगे, स्पॉन्सर मिलेंगे। वो बंदे को आज तक कुछ नहीं मिला, तो स्कैम कहाँ हो रहा है? वो 100 करा के आप हट गए। यहाँ साल में 3, 4, 5, 6, 7, 8 शो कंप्लीट हुए जा रहे, और सक्सेस पे सक्सेस हुए जा रहा है। सेरू क्लासिक IFBB ये कभी किसी बंदे को नहीं बोलते आओ हमारा शो करो, वो पकड़ पकड़ के नहीं बोलते हैं।
लोग अपनी मर्जी से जाते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस क्यों ज़्यादा है, किस लिए ज़्यादा है? 1,000 रुपये दे के 500 लोग आएंगे कंप्लीट करने, 5 लाख रुपए, कुछ स्पॉन्सर मिल गए 20-30-40 लाख रुपए। लेकिन भाई बिजनेस सबको करना है, सबको। वहाँ एनपीसी में फीस पे करनी पड़ती है 30-40 लाख रुपए, पहले वो भी तो देखो। गुमराह मत करो आप लोगों को, गुमराह मत करो। ये समझ में नहीं आ रहा आप किस टाइप की बातें कर रहे हो, कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक लॉजिक वाली बात करनी चाहिए आपको, एक लॉजिक वाली। कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। 23 मिनट की वीडियो बनाई, समझ में नहीं आया कुछ भी। वो प्रो कार्ड जो है ना, उसके बाद हम लोगों को एक ओलंपिया जाने का ख्वाब दिखता है। एक इंडियन सोचता है कि हाँ मैं अब ओलंपिया जा सकता हूँ, वो ख्वाब देख सकता है। पैसे की जहाँ बात आप कर रहे हैं, क्रिकेट को छोड़ के कौन से स्पोर्ट्स में पैसे हैं? किसी में नहीं है। वैसे ही ये इंटरनेशनल एक फील्ड है। तो मैं बताता हूँ, क्रिकेटर पहले रेलवे की तरफ से खेलता है, वो अपने पैसों से बैट बॉल एंड ऑल खरीदता है, चाहे बॉलर हो या बैट्समैन। फिर उसको चांस मिलता है, अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो वो रणजी में जाता है। फिर वो उसको इंटरनेशनल में चांस मिलता है अच्छे परफॉर्मेंस देने के बाद, सोर्स ऑफ इनकम चालू होती है फिर, उससे पहले नहीं। ऐसे ही यहाँ है, प्रो क्वालिफायर शो रेलवे की तरह हो गया, प्रो शो कंप्लीट करते हैं रणजी ट्रॉफी की तरह हो गए, लक अच्छे रहे तो ओलंपिया। फिर क्या पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा किसी को? ओलंपिया, उससे बड़ा तो कोई स्टेज वर्ल्ड में है नहीं। हर एक एथलीट, हर एक बॉडी बिल्डर चाहेगा ओलंपियन बनो, लेकिन वो किसी और फेडरेशन से नहीं, सिर्फ IFBB से, क्योंकि वर्ल्ड का बड़ा है, वर्ल्ड का। यहाँ मिस्टर एंड ऑल वो नहीं है, ये एक ही टाइटल मिलता है। कल आपने एक पोस्ट डाला, कल परसों या 2-3 दिन पहले, अभी किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, उसमें हमारे IFBB एथलीट भी कमेंट कर रहे हैं। अच्छा लगा उनका भी, मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि इस लड़की ने ओवरऑल जीता, आज उसे कोई पूछता नहीं है। भाई पूछेगा क्यों किसी को कोई? हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, हमें खुद आगे होके जाना होगा, कोई पूछेगा नहीं, किसी को नहीं पूछेगा कोई, हमें खुद आगे बढ़ना पड़ता है। एक क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस कर लेता है, अगर वो घर में बैठ गया, इंटरनेशनल की तैयारी नहीं करेगा, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, हम क्या कर सकते हैं? अगर वो नहीं जा रही है तो उसकी गलती, फाइनेंशियली प्रॉब्लम एंड ऑल होंगे। तो हम एथलीट को पैसे खुद अर्न करने पड़ते हैं, खुद ऑनलाइन ट्रेनिंग दे के एक अच्छा फिजिक बनाते हैं, फोटोज लगाते हैं, लोगों को मतलब एक विश्वास होता है कि इसने अच्छा फिजिक बनाया, ये हमारा भी बना सकता है। तो इस टाइप से लोग आते हैं, जुड़ते हैं, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग डाइट प्लान दे के एक पैसे अर्न करते हैं। तो पैसे अर्न करने खुद का है, ये फील्ड में पैसे नहीं हैं। इस फील्ड में एक ही है कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ये खुशी मिलती है। पैसे देखकर अगर आप सोचते हो कि इस फील्ड में पैसे है, तो मैं बोलूँगा आप लोग मत करो, बहुत खर्चा है, बहुत ज़्यादा खर्चा है, होता है। अगर आपको करना है तो फाइनेंशियली स्ट्रोंग होना पड़ेगा, कल भी यही बात मैंने आपसे बोली थी। साहिल भाई से रिक्वेस्ट है, इस टाइप की वीडियोस ना बनाएं, पहले वहाँ 40 लाख देने पड़ते हैं। प्लास्टिक स्कैम नहीं हो रहा, ये आपका सो स्कैम हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं देने का, उन्होंने जो बोला उन्होंने दिया, पर आपने जो बोला आपने कुछ नहीं दिया, दुबई ट्रिप भी नहीं मिली अभी तक। चलिए कोई खास बात नहीं, ऐसे वीडियो आएंगे मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, मुझे आप सबका सपोर्ट है और ये सपोर्ट हमेशा ऐसे ही मुझे दीजिएगा। काफी लोगों ने कहा सर बाइसेप देखने, बाइसेप सर नहीं यार, भाई बोलो, सब एक ही बराबर हैं। तो बाइसेप, हाउ द जोस, यो लव यू, बाय।